पे शाओमी ने हाइपर ओएस के और MIUI 14 के लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच के साथ एक न्यू अपडेट्स यहाँ पे मल्टीपल फोन्स में रोलिंग आउट करने स्टार्ट कर दिए हैं। सो मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ कि हाइपर ओएस और MIUI 14 के कौन कौन से स्टेबल अपडेट्स कौन कौन से फ़ोन्स के लिए यहाँ पे रोलिंग आउट होने स्टार्ट हो चुके हैं। सो सबसे पहले तो यहाँ पे रेडमी K60 के लिए, जो यहाँ पे ग्लोबल रीजन में पोको F5 Pro के नाम से अवेलेबल है, हाइपर ओएस का 1.0.2.0 चाइना स्टेबल अपडेट MI पायलट से यहाँ से पब्लिक में रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो चुका है। और आप सभी को यहाँ पे पोको F5 Pro यहाँ पे ग्लोबल रीजन के लिए हाइपर ओएस एंड्रॉयड 14 पे बेस्ड बहुत ही जल्द यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाला है। और इसी के साथ यहाँ पे पोको X5 Pro 5G में 14.0.7.0 MI पायलट से यहाँ पे पब्लिक में ग्लोबल स्टेबल अपडेट रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो चुका है। और इस अपडेट का चेंज लॉग आपको सिक्योरिटी पैच को ही अपडेट करता है, बाकी सब इसमें हमें सेम टू सेम ही यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। और इसी के साथ पोको X4 GT में 14.0.6.0 यूरोप स्टेबल अपडेट MI पायलट में दिसंबर पैच के साथ रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो चुका है, जैसा कि पोको X4 GT में चाइना और ग्लोबल रीजन में ऑलरेडी हमें MIUI 14.0.7.0 ग्लोबल अपडेट और चाइना अपडेट के साथ लेटेस्ट मंथ का सिक्योरिटी पैच मिल गया है। सो अब हमें यूरोप के लिए भी वही सेम अपडेट यहाँ पे शो हो चुका है। सो इसके रिगार्डिंग मैं आर्टिकल ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूँ, पोको X4 GT MIUI 14 लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच, आर्टिकल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाकर के चेकआउट कर लेना। और इसी के साथ यहाँ पर अगला फ़ोन है रेडमी का 12C और इसके लिए 14.0.7.0 ग्लोबल स्टेबल अपडेट बेटा टेस्टर्स के लिए लेटेस्ट मंथ के सिक्योरिटी पैच के साथ रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो चुका है, जैसा कि आप यहां पे चेकआउट कर सकते हैं। और आपको मेरा चैनल ही यहां पे सबसे पहले इन सब अपडेट्स की रिकवरी रोम को प्रोवाइड करता है और इन सारे अपडेट्स की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है। और इसी के साथ यहाँ पर कुछ और न्यू अपडेट्स, जैसे कि Xiaomi 13T के लिए 14.0.5.0 इंडोनेशिया स्टेबल अपडेट फुली रिलीज यहां पे हो चुका है, पोको X5 Pro 5G के लिए 14.0.4.0 रशिया स्टेबल अपडेट MI पायलट से पब्लिक में भी रिलीज हो चुका है, Redmi 12 5G के लिए 14.0.2.0 जापान स्टेबल अपडेट लेटेस्ट मंथ के सिक्योरिटी पैच के साथ, और Redmi Note 11 T 5G पोको M4 Pro 5G के लिए 14.0.4.0 इंडिया स्टेबल अपडेट MI पायलट से पब्लिक में भी रिलीज हो चुका है लेटेस्ट मंथ के सिक्योरिटी पैच के साथ। और इसी के साथ यहाँ पे कुछ और न्यू अपडेट्स, जैसे कि रेडमी नोट 12 प्रो प्रो प्लस के लिए एंड्रॉयड 13 चाइना में फुली रिलीज हो चुका है, हाइपर ओएस की इंटरनल बेटा टेस्टिंग भी स्टार्ट हो चुकी है, उसके रिगार्डिंग में वीडियो आर्टिकल सब कुछ पोस्ट कर चुका हूँ, आपको इस वाली वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। और इसी के साथ यहाँ पे पोको X4 Pro 5G में इंडिया स्टेबल में एक न्यू अपडेट 14.0.5.0 इंडिया स्टेबल अपडेट MI पायलट टेस्टर्स के लिए रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो चुका है। और इस अपडेट का चेंज लॉग आपको अपडेटेड सिक्योरिटी पैच के साथ साथ यहाँ पे एडिड सपोर्ट फॉर VONR का भी यहाँ पर प्रोवाइड कर देता है, जो कि एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ हमें देखने के लिए मिलती है। एंड एट द लास्ट Redmi Note 11 के लिए 14.0.5.0 ग्लोबल स्टेबल अपडेट MI पायलट से पब्लिक में रिलीज़ कर दिया गया है लेटेस्ट मंथ के सिक्योरिटी पैच के साथ। सो आप यहां पे कौन से फ़ोन के लिए हाइपर ओएस का वेट कर रहे हैं कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करके जाएं, क्योंकि यहां पे हाइपर ओएस के लेटेस्ट अपडेट्स के रिगार्डिंग सबसे पहले न्यूज़ मेरे पास ही आती है। सो सिंपली अगर आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए, सो सिंपली हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू Xiaomi हाइपर ओएस एंड MIUI 14 लेटेस्ट सिक्योरिटी अपडेट।